इस समय हम मौजूद है ईवी इंडिया 2022 में और यहाँ आज कुछ स्कूल कॉलेज से स्टूडेंट और टीचर विजिट करने आइए, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। सर आप कहाँ से आए हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा, कॉलेज कोड 132। आई एम एक्टिंग एज ए यू नो एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई हैव जस्ट कम अलॉन्ग विद माई स्टूडेंट्स फॉर गिविंग देम यू नो सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट एक्सपोजर। सो दे आर जस्ट विजिटेड ऑल द यू नो दिस स्पॉट्स ऑफ ईवी व्हीकल्स एंड वी आर रियली माई ऑल द स्टूडेंट्स हैव एंजॉयड अ लॉट एंड दे हैव कम अक्रॉस विद द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस and they have you know got to know what kind of transformation, what kind of advancement is taking place in the field of EV vehicles. So these are all. Okay, thank you sir. आप कौन से फील्ड से? मैकेनिकल। तो आपको ये यहाँ विजिट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस लगा, क्या आपने लर्न किया यहाँ? एक्सपीरियंस यही हुआ कि अगले 10 साल में ईवी व्हीकल्स की बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे हम लोग मैकेनिकल्स के हैं तो इसमें बहुत स्कोप है, आगे हम लोग क्या करेंगे ये चीज देखने को मिला और यही सब एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या आपको सबसे अट्रैक्टिव लगा? बहुत सही लगा, सब कुछ सही अट्रैक्टिव था, अट्रैक्टिव भी था और ऊपर से देखा जाए तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। जैसे हम मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल हमारा ब्रांच हो गया, तो उसमें कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, माइलेज कितना देगा, क्या क्या है स्पेसिफिकेशंस है, वो जानने में बहुत ज़्यादा बेटर लगा, लगा कि हाँ अच्छा है, ईवी के हिसाब से अच्छा है। ईवी को जो है ना फ्यूचर ट्रांसपोर्ट भी माना जा रहा है, कहाँ तक आपको सही लगता है ये बात? बेसिकली हम देख रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल से जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ईवी जो है वो पॉल्यूशन जीरो कर रही है, इस वजह से ईवी को जो है फ्यूचर ट्रांसपोर्ट माना जा रहा है। और यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज भी यूज़ हो रही हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि तो मतलब कम चार्ज में ही वो व्हीकल ज़्यादा चल रही है। बस यही टेक्नोलॉजी जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए, हर कंपनी नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रही है यहाँ पे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? यहाँ पर मेरे को आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमें पता चला कि बाहर एक्सपोजर क्या है, एडवांसमेंट कितनी हो चुकी है टेक्नोलॉजी पर, हमें कितना और करना है। और यहाँ पर ये भी पता चला कि हर चीज़ आजकल जो भी है सब मैकेट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट मिलकर डिवाइसेस बनाते हैं और प्लस स्मार्ट डिवाइसेस बनाते हैं जिससे हमारी एनर्जी सेव हो और प्लस एक्यूरेसी इंक्रीज हो। आपको क्या लगता है इस तरह का कोई भी एक्सपो कितना हेल्प करने वाला आपको इन फ्यूचर? मैम बहुत अच्छा ये है, ईवी है जो बहुत बढ़िया है, जो पॉल्यूशन लेस है, ये हमारे जो कंट्री है हमारे देश में बहुत बढ़िया है, इससे पॉल्यूशन लेस भी हो सकता है और हमने जो अपने देश से एक स्मार्ट फ्यूचर बन रहा है, स्मार्ट फ्यूचर के लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ये तो हमारे साथ सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? एक्सपीरियंस we came with the students and students got the exposure to the EV vehicles, different types of two wheelers, three wheelers and accessories related to the EV vehicles. So overall it is a good experience for us as well as for the students. So, government itne initiative le rahi hai EV mein, ab aapko kya lagta hai isko jo hai na future of transport bhi kaha ja raha hai, to kitni sachchai aapko lag rahi hai? Nahi, definitely, because jis tarah ki global warming aur pollution level badh rahi hai, I hope it will be ट्रांसफॉर्मेशन इन ए बिगर वे। सर आपके स्टूडेंट आए हैं, आपको क्या लगता है कितना वो लर्न करके यहाँ से जाने वाले हैं? डेफिनेटली कुछ तो लर्न करेंगे और कुछ कैटलॉग्स दे हैव टेकन विद देम, सो वी ऑलरेडी टोल्ड देम टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ए रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इन द कॉलेज इटसेल्फ। तो ये था हमारे साथ जी आए के कुछ स्टूडेंट और टीचर जिन्होंने आज यहाँ ईवी इंडिया एक्सपो 2020 का एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे थे 10 न्यूज़।